तो क्या हालचाल है आपको? इस टाइम पर चाहिए एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन 20,000 के अंदर, तो भाई बिल्कुल सही वीडियो पाया हो, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ ओनली टॉप 3 स्मार्टफोन। जी आप इसमें से कोई भी स्मार्टफोन चूज कर सकते हैं, आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। परफॉर्मेंस वाइज, कैमरा वाइज, डिस्प्ले वाइज आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छा फोटोज, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले, काफ़ी अच्छा इमर्सिव व्यू आपको वहाँ पर मिल जाएगा विद एक बहुत ही अच्छे बैटरी बैकअप के साथ। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट स्मार्टफोन। तो हमारे पास आता है आइको का Z9, जिसमें कि आपको मिलता है मीडिया टेक का डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर, जिसका कि अंदर तो स्कोर है 7,34,000। तो भाई आपको यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है, आप यहाँ पर गेमिंग को एंड डिफरेंट टास्क को काफ़ी स्मूथली करने वाले हैं, आपको यहाँ पर कोई भी लैग वगैरह इस वाले स्मार्टफोन में नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर मिलता है ये स्मार्टफोन 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ एंड 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के साथ, और आपको यहाँ पर मिलता है LPDDR4X टाइप का रैम एंड UFS का 2.2 स्टोरेज टाइप एंड विद द यूज़ ऑफ 5000mAh बैटरी के साथ। आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप मिलने वाला है एंड विद द यूज़ ऑफ 67W के फास्ट चार्जर से आप इसको काफ़ी स्पीडली चार्ज भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा, आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं मिलने वाला है। साथ ही में आपको यहाँ पर मिलता है 50MP का एक सोनी का IMX822 सेंसर, जो कि आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा फोटोज़ दे देगा। आपको यहाँ पर कोई ऐसा कमी जो है इस वाले स्मार्टफोन से नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर आपको जो है एक अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बस यही कमी है कि आप यहाँ पर अल्ट्रा वाइड फोटोज़ को क्लिक नहीं कर पाएंगे अपने चॉइस के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको जो है 50MP के सोनी के सेंसर के साथ आपको यहाँ पर काम चलाना होगा। ओवरऑल यहाँ पर ये स्मार्टफोन काफ़ी सही है, आप यहाँ पर डिफरेंट टास्क के साथ गेमिंग को भी आराम से स्मूथली करने वाले हैं विद द यूज़ ऑफ दिस MediaTek Dimensity 7200 प्रोसेसर। सेकंड स्मार्टफोन मेरे पास है वीवो का T3 स्मार्टफोन, जिसमें कि आपको मिलता है सेम प्रोसेसर Dimensity का 7200। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, यहाँ पर भी आपको मिलता है 5000mAh की बैटरी एंड 44W का फ्लैश चार्ज, आप लंबे टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपको ये आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा। आपको यहाँ पर कोई ऐसा दिक्कत इस वाले फ़ोन से नहीं मिलने वाला है एंड विद द यूज़ ऑफ 120Hz डिस्प्ले के साथ, जो कि आपको होने वाला है एमुलेट पैनल। एंड साथ ही में जो हमारा आइको का Z9 था, वहाँ पर भी आपको मिलता है 120Hz का एमुलेट पैनल। तो आपको यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा इमर्सिव व्यू इस वाले डिस्प्ले से मिलने वाला है, और आपको यहाँ पर काफ़ी पंची कलर्स, जो कलर्स आते हैं भाई वो काफ़ी निखर के आने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर एक काफ़ी अमेजिंग इमर्सिव व्यू इस दोनों ही स्मार्टफोन से मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन को भी कंसिडर कर सकते हैं इस प्राइस सेगमेंट में। एंड भाई लास्ट फोन मेरे पास है रियलमी का नार्जो 70 प्रो। आपको यहाँ पर मिलता है MediaTek का Dimensity 7050 प्रोसेसर, जो कि भाई काफ़ी एक अच्छा प्रोसेसर है, जिसका अंतुतु स्कोर आता है 5,80,000 के आसपास। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा स्पीड जो है इस वाले फ़ोन से मिलेगा, आपको यहाँ पर गेमिंग डिफरेंट टास्क में कोई ऐसा लैग नहीं मिलेगा। एंड आपको यहाँ पर ही मिलता है एक बहुत ही अच्छा 50MP का सोनी का IMX890 सेंसर, जो कि एक काफ़ी सक्सेसफुल सेंसर में से एक है, और ये सेंसर जो है बहुत सारे फ्लैक्सी फ़ोन में भी यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस इसके कैमरा से देखने को मिलने वाला है। आपको यहाँ पर मिलता है रियलमी का लेटेस्ट UI5 विद एंड्रॉयड 14 के साथ, और हमारा जो वीवो का T3 है एंड आइको Z9 है, वहाँ पर आपको मिलता है फनटच OS 14 विद एंड्रॉयड 14 के साथ। एंड आपको जो हमारे पास रियलमी का है रियलमी UI5 विद एंड्रॉयड 14 के साथ, तो आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 16 तक का अपडेट इस वाले स्मार्टफोन में मिलेगा। एंड आपको यहाँ पर 3 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट इन तीनों ही स्मार्टफोन में मिलने वाला है। तो भाई ये थे हमारे पास टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन इस टाइम पर, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। आपको यहाँ पर कैमरा में, परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा बैलेंस देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर डिफरेंट काम को काफ़ी स्पीडली करने वाले हैं। तो भाई बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। और मिलता हूँ मैं आपसे एक नए वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।